सूबे की सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। आज रफेल देश आने पर बोले नरोत्तम मिश्रा, हिंदुस्तान का आसमान रफेल की गर्जना से गूंजेगा और देश का सर सम्मान से बढ़ेगा। जो लोग सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, पुलिस का मनोबल गिराते हैं, इन लोगों को दूसरे देश की नागरिकता लेनी चाहिए। छतरपुर के कोविड सेंटर में कोरोना संक्रमित युवक की फांसी लगाने पर बोले, सरकार कोविड मरीजों की मनोचिकित्सकों से काउंसलिंग करवाने पर विचार किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह के दल बदल कानून बयान पर बोले नरोत्तम मिश्रा। राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बोले नरोत्तम मिश्रा, उस दिन के बाद लॉकडाउन पर विचार नहीं किया जा रहा है, अन्य विकल्प पर विचार किया जा रहा है। देखिए, कोई पता तो रहता नहीं है कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं। कभी कभी बिना सिमझे ऐसा रोग है कि बिना सिम्टम के भी व्यक्ति के अंदर आ जाता है, और जब बिना सिम्टम के जिस व्यक्ति पर रहता है तो अपन सीधा आरोप कैसे लगा सकते हैं। सर, शहर में लगातार कोरोना के जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं, 10 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन ऐसा लगता है सख्ती नहीं है। क्या लॉकडाउन और बढ़ेगा? सख्ती के साथ बहुत आए आज दो मामले आए हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाएंगे, सख्ती से सफाई कराएंगे शहर में? मुझे नहीं लगता है कि इन तारीखों को और आगे बढ़ाना है, शायद कोई और विकल्प पर भी विचार करेंगे, और कोई विकल्प नहीं मिलेगा तब इस विकल्प की सोचेंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी दूसरे विकल्पों की ओर होगी, न कि लॉकडाउन बढ़ाने की ओर। सर, प्राइवेट अस्पताल और भागवत को दिग्विजय सिंह ने पत्र लिख दिया मोदी जी को लोकतंत्र बचाने के लिए, कांग्रेस में जो अच्छा ये दल बदलू कानून का अच्छी जानकारी तो उनको सबसे अच्छी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष दे देंगे। देश के अंदर सर्वाधिक दल बदल कराए हैं कांग्रेस पार्टी ने, वो चाहे तो इस विषय पर लिस्ट वो जारी कर दे, हम जारी कर देते हैं क्या अभी तक कितनी सरकारें इन्होंने दल बदल के गिराई। और ये क्यों लिखते हैं भाई मोदी जी को पत्र, क्यों लिखते हैं संघ के प्रमुख को पत्र, या अमित शाह जी को पत्र, या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र? भाई पहले आप अपनी पार्टी के अंदर तो देखो स्थिति क्या है, वहाँ लिखो, वहाँ के जवाब से असंतुष्ट हो तो और कहीं लिखो, आखिर में हम ही आपका मार्गदर्शन करें क्या? सर, अब तक मैंने भी वो क्या ट्वीट था कि वो था, वैसे तो कांग्रेस पार्टी में एक बात बताऊं आपको, ट्विटर तक ही सीमित रह गई है वो, और आप लोग स्थान दे देते हो तो आप टीवी कह लो ट्विटर के साथ, या पेपर कह दो आप। भारतीय जनता पार्टी के लोग, खुशी की बात है, देश के लिए गर्व की बात है। हिंदुस्तान का आसमान आज राफेल की गर्जना से, और देश का माथा आज गौरव से गौरवान्वित होगा। केवल तीन जगह मायूसी होगी, अगर होगी तो, या मातम होगा तो तीन ही जगह होगा, चीन में, पाकिस्तान में, और जो सुबह से ट्वीट कर रहे हैं उनके यहाँ। जो लोग रोज सुबह उठकर कभी सेना का मनोबल गिराते हैं, कभी देश के सम्मान और स्वाभिमान को आहत करते हैं, पुलिस का मनोबल गिराते हैं, ऐसे लोगों को तो अच्छा हो कि किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले लें, कम से कम देश के स्वाभिमान और सम्मान के साथ तो सुबह ही उठ के न खेलें। नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस के लोगों को भी हो रहा है और भाजपा के लोगों को भी हो रहा है, आम जन को भी हो रहा है। देखिए, बीमारी कोई भी हो, ये पार्टी देख के नहीं आती, जाति देख के नहीं आती, गरीबी और अमीरी देख के नहीं आती, रोग है, रोग के उपचार के बारे में कांग्रेस चिंता करे वो तो समझ में आता है। खुद जुलूस निकाला इंदौर में तो काय का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था, हम पर उंगली उठाने वालों तीन उंगली आपकी तरफ उठ रही। सज्जन वर्मा ने पत्र लिखा, डिप्रेशन बढ़ रहा है, क्या आप ये कोविड सेंटर ये सुनिश्चित करेंगे कि जो उनकी काउंसलिंग की जाए, मनोचिकित्सकों
को कहीं ना कहीं उनके साथ एक काउंसलिंग सेशन हो, आधे से ज्यादा लोग डर में बहुत ज्यादा। निश्चित रूप से सुझाव बहुत स्वागत योग्य है और इस दिशा में भी सरकार विचार कर रही है गंभीरता से। दिग्विजय सिंह अकेला है, दिग्विजय सिंह कीमतों के बारे में पूछ रहे हैं, कीमतें नहीं बताई, 36 आना था, 126 आना था, 36 आ रहे हैं। ये लोग, मैंने कहा ना कि सुरक्षा जैसे मसलों पर जब इस तरह की बात करते हैं तो वास्तव में अंतर मन पीड़ा से भर जाता है। क्या सोच का स्तर है और लगातार एक ही झूठ को बोलने की कोशिश करना, जिसके बारे में तमाम न्यायिक रिपोर्टें आ चुकी हों, जांच रिपोर्ट आ चुकी हों, लेकिन उन्हें तो कैसे भी चर्चा में आना है, पता नहीं आप लोग क्यों स्थान देते हो। समीर नाम का व्यक्ति है, वो सस्पेक्टेड था, कोविड सेंटर में रखा था, मुझे कैसे हो गया, क्यों हो गया, हो नहीं नहीं था, इस तरह की बात लगातार कर रहा था। उनके चाचा जी भी कल भी परसों भी मिले थे, समझाने की कोशिश विभागीय कर्मचारियों के द्वारा भी की गई। ये ऐसे कर करके इन लोगों ने सरकार गिरा दी, ऐसे ही बोल बोल के ये निपट लिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि बोल बोल के ऐसे ही कर देते हैं, 5 साल चलेगी, 5 साल कुछ नहीं हो सकता है, 7 जन्म लेने पड़ेंगे वगैरह वगैरह इत्यादि। वही अभी करने वाले हैं, आप परिणाम आए तब देखना। कांग्रेस हाशिए की ओर है, ट्विटर तक सीमित कांग्रेस। सर सर सर, हम अगर कोविड के मरीजों की का इलाज होने की संभावना है क्या सर? जहाँ हमारे कोविड सेंटर निश्चित है, कोविड अस्पताल निश्चित है, वहाँ निःशुल्क चिकित्सा होगी। लेकिन अगर कुछ लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं, अपने पैसे से इलाज कराना चाहते हैं, तो उनको रोक नहीं है। ये किसको फिक्र थी कि कबीले का क्या होगा? सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन हो। हम क्यों कराएंगे? उनके बेटे नकुलनाथ ने बयान दिया है, ये ट्विटर तो मान लो हम करा देंगे, पोस्टर हम लगवा देंगे, पर उनका बयान है जो नकुलनाथ जी का, वो क्या है, उस पर क्यों नहीं बोलते? ये वही लोग हैं जिनका आप नाम ले रहे हो, जिनके बड़बोलेपन के कारण से सरकार चली गई थी। माध्यम से चूंकि ये विषय निकला है तो मैं कहना चाहूँगा कि हम मध्य प्रदेश में 10 जेलें अस्थाई जेल के रूप में निर्माण और कर रहे हैं। इन 10 जेलों का अलग अलग जिला जेलों में जहाँ हमारे कैदी आते हैं तो वो कोविड से इफेक्टेड तो नहीं है, इसके लिए वो उन अस्थाई जेलों में। हमारे संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट, KKR न्यूज़ भोपाल।